गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बाउंडेड मीडिया। ओके, बाउंडेड मीडिया एक ट्रांसमिशन मीडिया है। बाउंडेड मीडिया में हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल क्या होती है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है। तो फर्स्ट कर लेते हैं व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। इस तरीके की होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में टू कंडक्टर्स यूज होते हैं और ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या है, टू कंडक्टर्स यूज होंगे और इसमें ये जो है बाहर ये है एक इंसुलेटर। ओके, और ये टू कंडक्टर्स आपस में ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, फोर पेयर्स होते हैं, मीन्स एट केबल होती हैं और वो फोर पेयर्स होते हैं जो आपस में ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ट्विस्ट क्यों होते हैं, ताकि इनमें क्रॉस टॉक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो पाए। ये ट्विस्ट क्यों होते हैं, ताकि इनमें क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो। ट्विस्टेड पेयर केबल में टू कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। एक कंडक्टर जो होता है वो कैरी करता है सिग्नल। ठीक है, वन कंडक्टर इज कैरिंग द सिग्नल एंड अनदर इज यूज फॉर ग्राउंड रेफरेंस। ठीक है, क्या बताया, ट्विस्टेड पेयर केबल में टू कंडक्टर्स यूज होते हैं, वन इज कैरिंग द सिग्नल एंड अनदर इज यूज फॉर ग्राउंड रेफरेंस। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। टू कंडक्टर्स होते हैं ईच विद इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन। टू कंडक्टर्स होते हैं और हर कंडक्टर में क्या लगी होती है, इंसुलेशन, इंसुलेटर लगा होता है। ठीक है, वन ऑफ द वायर इज यूज टू कैरी द सिग्नल। ठीक है, टू वायर्स होती हैं, एक कैरी करती है सिग्नल टू द रिसीवर एंड अदर इज यूज एज ग्राउंड रेफरेंस। सेकेंड यूज होती है फॉर ग्राउंड रेफरेंस। ओके, तो इस तरह के फोर पेयर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में। इस तरह के फोर पेयर्स होते हैं केबल्स के, टोटल एट केबल्स होती हैं जो कि आपस में ट्विस्ट होती हैं। और वो ट्विस्ट किस लिए होती हैं, ताकि उनमें क्रॉस टॉक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो सके। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी आपकी टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है यूटीपी और अदर होती है एसटीपी। ठीक है, यूटीपी की फुल फॉर्म होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यूटीपी की क्या फुल फॉर्म है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और एसटीपी की होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में यहाँ पे अलग से शील्ड यूज की नहीं की जाती है। ठीक है, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में यहाँ पे अलग से शील्ड यूज की जाती है और वो आपकी बहुत कॉस्टली होती हैं। जो एसटीपी होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, वो बहुत कॉस्टली होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ टू कनेक्टर्स यूज होते हैं, RJ45 एंड RJ11। RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक और RJ45 जो कनेक्टर है वो ईथरनेट केबल के साथ यूज होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बाउंडेड मीडिया इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर कंडक्टर दैट सर्व्स एज द कोर ऑफ द केबल। दिस कंडक्टर इज कवर्ड बाय पीस ऑफ इंसुलेटिंग प्लास्टिक विच इज कवर्ड बाय अ वायर्ड मैश सर्विंग एज अ बोथ शील्ड एंड सेकेंड कंडक्टर। दिस सेकेंड कंडक्टर इज देन कोटेड बाय अ PVC और अदर कोटिंग। मीन्स कोएक्सियल केबल में टू कंडक्टर्स यूज होंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर ये जो कॉपर कंडक्टर होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे कोर। ठीक है, कोर कंडक्टर के बाद आपकी लगी होगी प्लास्टिक की इंसुलेशन। ओके, कोर कंडक्टर के बाद के लगी होगी प्लास्टिक की इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर आपकी एक वायर्ड मैश होती है, कॉपर की वायर्ड मैश होती है जिसको बोलते हैं ब्रेडेड कॉपर शील्डिंग। ठीक है, तो ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है और इन दोनों कंडक्टर को सेपरेट कौन कर रहा है, ये इंसुलेटर, इंसुलेशन मटेरियल। ओके, और ब्रेडेड कॉपर शील्डिंग के बाद लगी होती है आपकी आउटर जैकेट। ठीक है, PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और कोएक्सियल केबल के साथ यूज होने वाला कनेक्टर है
बीएनसी, बीएनसी की फुल फॉर्म होती है बेयोनेट नील कंसिल मैन. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट वेव जो होती है वो ग्लास के अंदर ट्रेवल करती है. ओके, जो डाटा सिग्नल होंगे वो ग्लास के अंदर लाइट वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे. ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल में एक कोर होता है, कोर को कवर करता है आपका क्लैडिंग, उसके बाहर होती है कोटिंग, उसके आगे होता है स्ट्रेंथनिंग फाइबर और उसके आगे होती है केबल जैकेट. ओके, तो कोर क्या करता है, कोर आपके डाटा सिग्नल्स को कैरी करता है, ठीक है, और ये कोर जो होता है वो ग्लास का होता है, ठीक है. अब क्लैडिंग क्या करती है, दिस इज द थिन लेयर दैट सराउंड्स द फाइबर कोर एंड कोर्स द रिफ्लेक्शन एंड इनेबलिंग डाटा टू ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ फाइबर सेगमेंट. नेक्स्ट है कोटिंग. कोटिंग, दिस इज द लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड सराउंड्स द कोर एंड क्लैडिंग टू री इन्फोर्स द फाइबर कोर. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग फाइबर, दिस इज हेल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रशिंग फोर्स. नेक्स्ट है केबल जैकेट, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द केबल. और ये जैकेट जो होती है या तो ये ऑरेंज कलर की या ब्लैक या येलो कलर की होती है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट बाउंडेड मीडिया. थैंक यू.